सर यू सेड कि हमें अगर कुछ करना है तो हमें एक बहुत बड़ा रीज़न चाहिए, थाउजेंड ऑफ रीजंस की नीड नहीं है हमें, एक रीज़न बड़ा हो तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स डेली निकलते हैं, मैं फादर से ऑटो ड्राइवर, तो सर जब डेली उनको देखता हूँ ना सर, उनकी नीज में प्रॉब्लम है, तो मैं डेली देखता हूँ सर, डेली आई हैव स्टार्टिंग क्राइंग कि क्या हो रहा है, क्यों मैं कुछ अर्निंग नहीं कर रहा, और सर मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ। अब वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, वो आपके ऊपर डाल रहे हैं कि अब आपको जल्दी से जल्दी कुछ करना है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि टेक योर टाइम, यू विल टेक योर टाइम। ठीक है, वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? यस सर। है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको अंदर ही अंदर एक गिल्ट की फीलिंग हो रही है? yes, आपको अपने अंदर ही अंदर लग रहा है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, डेली में रोता हूँ। यू वांट के मैं किसी भी तरह से उनकी जो सफरिंग है वो खत्म हो, उनको ये ना करना पड़े काम जो उनको जबरदस्ती करना पड़ रहा है मेरी वजह से या पैसे की वजह से, और मैं फटाफट से जो फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं और मैं सब कुछ ठीक कर दूं। दिस इज व्हाट यू वांट? यस सर। तो क्या सोल्यूशन है? अभी आपने खुद अपने, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला है कि पढ़ाई में भी मैं इतना अच्छा नहीं हूं। यस सर। तो कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है? सर मैं काफी बार मैंने ट्राई करा है कि मैं ट्राई करूं कि, बट सर कुछ टैलेंट मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता अंदर से, बस उस टाइम सर लूजर जैसे फील आता है, कुछ भी नहीं समझ आता लाइफ में क्या करना है। अब इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मैं कहता हूं अपने टैलेंट आइडेंटिफाई करो। यस सर। अपना पैशन आइडेंटिफाई करो। यस सर। लेकिन मेरी कुछ ऐसी भी वीडियोस हैं अगर आपने ध्यान से देखी होगी जहां पर मैंने ये भी बोला है कि टैलेंट और पैशन ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे टैलेंट और पैशन सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है, मैं बता देता हूँ क्या आता है, आप लोग बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। सिंगिंग आता है, डांसिंग आता है, एक्टिंग आता है, पेंटिंग आता है। और पेंटिंग भी कौन सी वाली आती है, मैं बताता हूँ आप कितने बड़े पेंटर हो, बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आपने क्या पेंटिंग कर रखी होगी, और सबने कर रखी होगी, सारे पेंटर बैठे हैं यहाँ पे। एक ऐसे एक पेपर होता है, बताना मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से एक नदी आ रही होती है इधर कॉर्नर से जो छोटी होती है यहाँ, और यहाँ आते आते बड़ी हो जाती है। यहाँ कुछ पहाड़ होते हैं, वहां एक सन होता है जिसकी कुछ रेज निकल रही होती है, और इधर लेफ्ट साइड में एक पेड़ होता है, और पेड़ के ऐसे ऐसे करके कुछ ब्रांचेस होती हैं, और ऐसे 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 गोल गोल घूमा होता है जैसे घुंघराले बाल होते हैं वैसा कुछ, और यहाँ पे एक हट होती है ना, और हट भी ऐसी होती है जैसे इंडिया में आज तक ऐसी कोई हट देखी नहीं होगी किसी ने, लेकिन पेपर में सबकी ऐसी ही एक हट होती है। और क्या बनना है, पेंटर बनना है। मेरा टैलेंट क्या है, मेरा पैशन क्या है, पेंटर। आप समझ गए यहाँ पे ट्रैप क्या है, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसा कोई सबने किया है ना, मैं यहाँ पे किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इफ इट्स रियली योर पैशन देन आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर तो काम अपने आप हो जाता है। बट दिस इज नॉट ए पैशन, दिस इज जस्ट अ हॉबी। तो अब बात आती है, पैशन को भी छोड़ दो, टैलेंट को भी छोड़ दो, सीधा बेसिक्स पे आते हैं कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको हमको सॉल्व करना है। yes, क्या बिना पैशन के वो सॉल्व नहीं हो सकती है? मतलब अब अगर आप मानो कि कोई भी काम है, कहीं से कुछ माल खरीदा और बेचा, उसमें पैशन कहाँ है? हाँ समझ, उसमें टैलेंट क्या है? एक प्रॉब्लम है किसी के घर में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, क्या करना है, यहाँ से सामान उठाया, वहाँ पे जाकर के बेचा, पैसा कमाया, फिर धीरे धीरे उस काम को बढ़ाया, इसमें पैशन कहाँ है? सर बट पेरेंट्स आर सेइंग कि कुछ भी कर, तुझे जो करना है हम कुछ तुझे रोकेंगे नहीं, बट तू अभी जॉब नहीं कर रहा है, टाइम है तेरा अपने आप को बनाने का, ठीक है, तू अभी जॉब मत कर, कुछ भी करना है। जॉब की तो मैं बात भी नहीं कर रहा यहाँ पे। यस सर। क्योंकि मैं तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। यस सर। पेरेंट्स आपके कह रहे हैं आपको कि जो मर्जी कर, जॉब नहीं करना है, राइट? क्योंकि जॉब भी करने के लिए आपकी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। जॉब मिल भी गई 8-10 हज़ार रुपए की तो करोगे क्या? यस सर। समझ गए ना, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। मतलब ये नहीं हो जाएगा जो आप चाह रहे हो वो सब सच नहीं हो जाएगा। तो जो आप चाहते हो वो हमको साफ नजर आ रहा है, इसको आप चाहते हो आगे बढ़ाएं और सॉल्यूशन तक जाएं। यस सर। या तो आप चाहते हो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, जो हमको समझ आ रहा है पढ़ाई से नहीं निकल रहा है, क्योंकि सब पढ़ाई में एक जैसे नहीं होते हैं। यस सर। और ये सच्चाई है, हर एक का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अब अगर पढ़ाई में कांटा लग गया, दूसरी तरफ से जॉब पे भी कांटा लग गया, क्योंकि जॉब का डायरेक्ट कनेक्शन है पढ़ाई से, सीधी सी बात है ना। बिना पढ़ाई के आप कहीं जाओगे जॉब मांगने के लिए तो क्या खाक जॉब मिलेगी आपको, और मिलेगी भी तो किस काम की होगी, वहां पे ग्रोथ पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो जॉब को भी हमने हटा दिया। उसके अलावा अगर आप, आपकी जो प्रॉब्लम है यानी कि आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, सही रास्ते से काम करके पैसा चाहिए, तो अगर सही रास्ते से काम करके आपको पैसा कमाना है तो क्या उसका कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया में? ऐसे कितने रास्ते हैं? बहुत है। नहीं, ये आप बोलने के लिए बोल रहे हो सच में? नहीं सर, बहुत है। बहुत है। यस सर। तो अभी कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो? या
आपकी एज क्या 70 साल हो गई, 80 साल हो गई? 20 यंग हो, 20 साल के हो? यस सर। एनर्जी पूरी है? यस सर। अब क्या रह गया? मार्केट में वो चीज़ देखनी, जैसे जो अवेलेबल कम है उस जगह पे हम जाकर वो चीज़ कर सकते हैं। कितनी चीज़ें कर सकते हो सर? बहुत चीज़ें हैं। अनलिमिटेड कर सकते हो? यस सर। तो करते क्यों नहीं है ये सब हम? सर उसके लिए तो पैसा, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये किसने कहा आपको कि उसके लिए पैसा चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं एंटरप्रेन्योर जो बड़े लेवल पे हैं, जिन्होंने बहुत सारे पैसे से शुरुआत करी थी? आप जानते हो अपनी फैमिली में ऐसे कुछ लोगों को जिन्होंने फैमिली में, रिलेशन में, यहाँ पे वहाँ पे, जिन्होंने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था, आज पता नहीं कहाँ पर है? यस सर, आई नो। तो वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यस सर। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम।